मोदी सरकार का पहला बयान इस कैश संकट पर आया है। वित्त राज्य मंत्री शिव प्रसाद शुक्ल ने कहा है कि 2 से 3 दिन में स्थिति सामान्य हो जाएगी। कुछ राज्यों में कम कुछ से ज्यादा कैश की दिक्कत हो रही है। उन्होंने ये भरोसा दिलाया है कि 2 से 3 दिन में हालात बेहतर हो जाएंगे। अब इसको तो आप लोग काफी संख्या में, मैं जनरल बता दूं कि देखिए इस समय भी हमारे पास 1.25 लाख करोड़ रुपए की कैश करेंसी है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम एक आई है जिसको हमको भी सीधे तौर पर स्वीकार करने में कोई चक नहीं है कि कुछ राज्यों में जो है पैसे अधिक हो गए, कुछ में कम हो गए हैं। तो उसके लिए हमने एक गवर्नमेंट ने कमेटी बनाया है, स्टेट वाइज कमेटी बना दिया है, और रिजर्व बैंक अपने भी एक कमेटी बना करके वो ये कर रहा है कि पैसा एक स्टेट से दूसरे स्टेट को ट्रांसफर किया है, क्योंकि बिना रिजर्व बैंक के अनुमति के वो पैसे ट्रांसफर नहीं किए जा सकते हैं। तो उसका हम कर दिए हैं, ये मुझे लगता है कि 2-3 दिन के अंदर ही पूरा का पूरा हम उसको कर। और इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी शिशिर सिन्हा। शिशिर, ये तो भरोसे हैं, आश्वासन है, मगर प्लान क्या है? देखिए, अभी जैसा कि रिजर्व बैंक के जो हमारे सूत्र हैं, जो अधिकारी हैं, वो ये कह रहे हैं कि समस्या फेस्टिवल डिमांड को लेकर के, जो त्योहारी मांग को लेकर के है, और वो समस्या 1 या 2 दिनों में पूरी हो जाएगी, क्योंकि उसका एक कैस्केडिंग इफेक्ट होता है, उसका असर 2-3 दिनों तक रहता है। 14 तारीख का त्यौहार था, आज है 17 तारीख है, 2 दिन हो चुके हैं। वो ये भरोसा दिला रहे हैं कि बिल्कुल ठीक हो जाएगा, कोई समस्या की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। फिलहाल तो उनकी यही योजना है कि जो कट किया गया था या जो दूसरे स्टेट में भेजे गए थे, वापस वही स्थिति बहाल कर दी जाए। जी शिशिर, हमारे आर्थिक मामलों के संपादक हमारे साथ थे। जो कहना था सो कह दिया, जो सुनना था सो सुन लिया। अगर अब भी इंतजार है असल खबरों का, तो फिर मास्टर स्ट्रोक सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे एबीपी न्यूज पर। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।